नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। पिछले लेक्चर में आपको मुगलों की दक्कन नीति की बैकग्राउंड बताई गई थी कि दक्कन पॉलिसी जो है मुगल्स की, उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि है। आज उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे अकबर से कि अकबर ने किस प्रकार से इस दक्कन नीति को अपनाया। और मुख्यतः हमें याद रखना है, पिछले लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि तीन मेजर स्टेट्स जो हैं वो इस खेल में है, अहमदनगर है, बीजापुर है और गोलकुंडा है। और खानदेश जो है, खानदेश की बात मैं यहां पर उधर नहीं लिख रहा, खानदेश यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि अकबर ने 1591 में, 1591 जो मैंने वर्ष लिखा है यहां पर, तो अकबर ने अपने दूत भेजे थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। सबसे पहले जीतने की कोशिश नहीं की उसने, जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे अपने वो खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में भेजे। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में। तो खानदेश में एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला अकबर को। खानदेश से उसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, सकारात्मक बातचीत होती है, लेकिन अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अकबर को नहीं मिलता। ये जो एमिस्ट्री भेजता है वो, उसका कोई भी उससे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। बल्कि होता तो ऐसा है कि अहमदनगर में जो अकबर द्वारा दूत भेजा गया, जो मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी बात इंसल्ट की जाती है और फिर उसे वापस भेजा जाता है। 1591 में ये दूत भेजे गए और खानदेश से उसे जब पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तो उसके बाद खानदेश का जो रूलर था अली खान, उसका नाम था अली खान, वो मुगलों की तरफ हो जाता है। एक तरह से अपने आप को मुगलों का सब्सिडियरी मांग लेता है। मुगल अभी डायरेक्टली खानदेश को मिलाने के वक्त में नहीं है, उसके वो जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है, उसको डायरेक्टली अपने साम्राज्य में नहीं मिला रहे, वो वक्त अभी नहीं आता। हाँ, खानदेश जो है वो एक तरह से मुगलों का सब्सिडियरी बन जाता है, ठीक है। तो अली खान जो है वो खानदेश का रूलर जो है अब मुगलों की तरफ से अहमदनगर के साथ लड़ता है, मुगलों की तरफ से अहमदनगर के साथ वो युद्ध में भाग लेता है। ही इज फ्रॉम द साइड ऑफ मुगल्स नाउ, और उसका अहमदनगर के साथ संघर्ष जो है वो शुरू होता है, क्योंकि अहमदनगर के साथ मुगलों का संघर्ष शुरू हो गया और मुगलों की तरफ से किसे भेजा जाता है, अली खान की तरफ से। और अली खान की डेथ जो है वो 1593 में हो जाती है। अली खान डाइस इन 1593। और उसके बाद जो है मीरान बहादुर जो है वो रूलर बनता है खानदेश का। मीरान बहादुर जो है वो खानदेश का रूलर बनता है, लेकिन मीरान बहादुर अपने पिता अली खान के जैसे मुगलों की सुजरेंची को, मुगलों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता। वो चाहता है कि वो मुगलों के प्रभुत्व से बाहर निकल जाए, खानदेश को बाहर निकाल ले। और यहाँ पर अहमदनगर क्या क्या पोजीशन है, अभी बीजापुर और गोलकुंडा जो है वो पिक्चर में नहीं आए अकबर के समय, वो अभी पिक्चर में नहीं आ रहे, ना बीजापुर आ रहा है ना गोलकुंडा आ रहा है। संघर्ष जो चल रहा है वो बेसिकली अहमदनगर के साथ चल रहा है। और अहमदनगर में चांद बीबी जो है वो पूरा संघर्ष कर रही है। अहमदनगर किसी भी हालत में जो है वो मुगलों के पास जाने से रोक रही है। संघर्ष जो है वो पूरा चांद बीबी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मीरान बहादुर जो है, जैसा मैंने अभी बताया, वो अपने पिता अली खान जैसे सुजरेंटी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता। तो उसके बाद जो है अटैक किया जाता है, उसके बाद खानदेश पे अटैक करती है, उससे पहले नहीं, उसके बाद अकबर द्वारा खानदेश पे अटैक किया जाता है, उससे पहले ये अटैक नहीं किया जाता। और उसके बाद खानदेश का एरिया जो है, कुछ एरिया मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में। और इस अटैक के फलस्वरूप, ये जो हमला किया गया खानदेश में, उसके फलस्वरूप अकबर को असीरगढ़, बुरहानपुर, दौलताबाद जैसे किले हासिल होते हैं। असीरगढ़, बुरहानपुर, दौलताबाद जैसे किले जो हैं वो हासिल होते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो अहमदनगर का भी प्राप्त हो जाता है, अहमदनगर का
किला जो है कुछ हद तक वो भी कुछ क्षेत्र कुछ एरिया जो है अहमदनगर का वो भी अकबर को प्राप्त जो है वो हो जाता है। लेकिन अकबर के समय काल में ये जो डेक्कन पॉलिसी है ये अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच सकी, इसे कल्मिनेट नहीं किया जा सका। और 1601 में जैसे हम जानते हैं कि असीरगढ़ को प्राप्त करना जो है उसके आगे अकबर नहीं देख पाया दक्कन की तरफ, वो एक लास्ट उसकी विन मानी जाती है डेक्कन में जो उसे प्राप्त हुई। और अकबर के बाद जो है बात हुई जहांगीर की, अकबर के बाद जो है वो जहांगीर आता है और जहांगीर के समय भी कमोबेश वही नीति वही दक्कन नीति चलती है जो अकबर के समय चल रही है। अकबर के समय जो नीति का अनुसरण किया गया तो जहांगीर के समय भी कमोबेश वही नीति चल रही है और जहांगीर के समय की पोजीशन वही है जो अकबर के समय थी, स्टेटस क्यो जो है वो वहां पर है। अहमदनगर बीजापुर और गोलकुंडा अभी मुगल साम्राज्य से बाहर हैं, वो नहीं आ रहे उनके पास, उनको जीता नहीं जा सका। और जहांगीर 1627 तक रूल करता है और ज्यादातर दक्कन में वो अपनी नीति के तहत किसे भेजता है, खुर्रम को भेजता है। खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया इतिहास में। और 1617 में खुर्रम को शाहजहां का टाइटल दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा कि 1617 में शाहजहां को ये जो टाइटल मिला शाहजहां का खुर्रम को, वो जो टाइटल है वो 1617 में मिला जब खुर्रम दक्कन में मुगलों की तरफ से गया, मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव बन के गया युवराज खुर्रम, जहांगीर द्वारा जो है वो भेजा जाता है उसे वहां पर। और उसकी एक जीत वहां पर होती है अहमदनगर के ऊपर, एक जीत प्राप्त की जाती है। कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं कि दैट वाज अ टेम्परेरी विन ओवर अहमदनगर, अहमदनगर के ऊपर एक जीत प्राप्त की खुर्रम ने जिसकी वजह से उसे शाहजहां का टाइटल दिया गया। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि वो एक टेम्परेरी विन थी जो बनाई गई है, जो एक तरह से मैन्युफैक्चर की गई, और वो मैन्युफैक्चर किसने की थी, मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ये जो नाम है ये दक्कन नीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलिक अंबर जो नाम है ये मुगलों की दक्कन नीति में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलिक अंबर ने ही अहमदनगर को मुगलों के पास जाने से बहुत देर तक बचा के रखा। जब तक मलिक अंबर रहा प्रधानमंत्री, जब तक मलिक अंबर प्रधानमंत्री रहा है अहमदनगर का, तब तक ये संघर्ष बखूबी चलता रहा और मुगल अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। तो यहाँ पर एक टेम्परेरी विन है कि मलिक अंबर के हुई, लेकिन मलिक अंबर दोबारा अहमदनगर को जीतने में कामयाब हो सकता है। थोड़ा सा क्षेत्र शाहजहां ने जीता लेकिन मलिक अंबर दोबारा से उसे वापस हासिल कर लेता है, जो समझौता हुआ था शाहजहां और मलिक अंबर के बीच बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता है बेसिकली। तो ये काम जो है वो जहांगीर के समय में हो रहा है। और जब जहांगीर बादशाह की डेथ हो जाती है, जब बादशाह जहांगीर की मृत्यु होती है, तो डेक्कन पॉलिसी का स्टेटस क्वो वही है जो अकबर के टाइम था। हम ये कह सकते हैं कि अकबर की जब डेथ होती है तो जहांगीर को जो दक्कन की नीति मिली, तो जब जहांगीर की डेथ होती है, इसे अच्छे से समझना होगा, तो दक्कन नीति जो है वो वहीं पे खड़ी है जब अकबर की डेथ हुई थी। मैं इसे एक बार दोबारा से बताता हूं कि जब अकबर की डेथ हुई तो खानदेश को पूरी तरह से असिमिलेट किया गया था मुगल साम्राज्य के अधीन, लेकिन बाकी स्टेट्स जो हैं दक्कन की, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, वो नहीं आ सकी थी। जहांगीर के नेतृत्व में, जहांगीर के समय काल में बहुत कोशिश की जाती है कि उन स्टेट्स को भी कैप्चर किया जाए, विशेषकर अहमदनगर को। अभी वो बीजापुर और गोलकुंडा की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन कुछ टेम्परेरी विन, कुछ जो टेम्परेरी जीत है, उसके अलावा मुगलों को कुछ भी हासिल नहीं होता। और बहुत बड़ा रोल है इसमें मलिक अंबर का। मलिक अंबर ने ही दक्कन राज्य अहमदनगर को मुगलों के साम्राज्य में आने से बचाकर रखा। तो हम क्या कह सकते हैं कि वही नीति अकबर के समय जो स्टेटस था दक्कन नीति का, तो जो जहांगीर की डेथ होती है, शाहजहां बादशाह बनता है, तो लगभग
वही स्टेटस है कि खानदेश के अलावा मुगल साम्राज्य में बाकी दक्षिणी राज्य नहीं आ सके हैं। अब बात करते हैं हम शाहजहां की। शाहजहां जो है जहांगीर के बाद बादशाह बनता है और शाहजहां के नेतृत्व में या शाहजहां के समय में इस दक्षिण नीति में कुछ चेंजेस आती हैं। शाहजहां के समय में कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं और दक्षिण नीति जो है हम कहते हैं कि आगे बढ़ती है। दक्षिण नीति शाहजहां के समय आगे बढ़ती है, इट गोज फॉरवर्ड। और सबसे पहला मुकाम जो आता है वो आता है 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर जीत प्राप्त की जाती है। अहमदनगर पे जीत प्राप्त की जाती है और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। इसे मुगल एम्पायर का एक हिस्सा जो है वो बना लिया जाता है। कब? 1633 में। हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि मलिक अंबर की डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ मलिक अंबर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मलिक अंबर की डेथ हो जाती है। उसका बेटा फतेह खान है और फतेह खान जो है वो निजाम थर्ड, मुर्तजा निजाम शाह थर्ड को गद्दी से हटा देता है। वो मुर्तजा निजाम शाह को मर्डर करवा देता है। इसका मर्डर हो जाता है। ये निजाम थे अहमदनगर साम्राज्य के, ये निजाम थे अहमदनगर राज्य के, इनका मर्डर करवा दिया जाता है। और उसके बाद एक बच्चे को, 11 साल के बच्चे को अहमदनगर की गद्दी पे बिठाया जाता है जिसे हुसैन शाह के नाम से हम जानते हैं। 11 साल का बच्चा हुसैन शाह, उसे अहमदनगर की गद्दी पे बिठाया जाता है। लेकिन फतेह खान इसके प्रति भी वफादार नहीं है। फतेह खान निजाम शाह के प्रति भी वफादार नहीं है और फतेह खान हुसैन शाह के प्रति भी वफादार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फतेह खान एक रोल प्ले करता है, भूमिका अदा करता है। जब शाहजहां का ये संघर्ष चलता है दक्षिण में, तो अहमदनगर को 1633 में मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में। शाहजहां यहां पर जीत प्राप्त करता है और इस जीत में रोल प्ले कर रहा है ज्यादा औरंगजेब, जो उस टाइम दक्षिण में सूबेदार था। औरंगजेब जो है शाहजहां की तरफ से उस टाइम दक्षिण में सूबेदार की हैसियत से गए हुए थे। तो 1633 में अहमदनगर को असिमिलेट किया जाता है, ये डेट हमें याद रखनी है। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि फतेह खान जो है वो निजाम शाह थ्री और हुसैन शाह के प्रति वफादार नहीं है। इस कंडीशन में अहमदनगर को मिलाया जाता है। और इसके बाद एक घटना जो घटती है वो है गोलकुंडा और बीजापुर के साथ एक समझौता किया जाता है, एक संधि की जाती है गोलकुंडा और बीजापुर। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बीजापुर और गोलकुंडा, इनके साथ जो है एक संधि की जाती है। ये जो संधि की जाती है ये 1636 में की जाती है और कहा जाता है कि शाहजहां ने बोला था कि ये संधि जो है वो युगों युगों तक रहेगी। शाहजहां के ये वर्ड्स थे कि ये जो संधि हम कर रहे हैं, ये जो समझौता हम कर रहे हैं, ये जो ट्रीटी हम कर रहे हैं, ये युगों युगों तक रहेगी। लेकिन 20 वर्ष बाद ही 1656 में समझौता टूट जाता है। 20 वर्ष बाद बीजापुर और गोलकुंडा के साथ जो समझौता किया गया वो समझौता जो है वो 1656 में टूट जाता है। ये कंडीशंस जो हैं ये वहां पर चलती हैं। 1636 से 1656 20 वर्षों तक बीजापुर और गोलकुंडा के साथ ये समझौता हुआ, लेकिन 1656 में ये ट्रीटी खत्म करनी पड़ती है। एक ट्रीटी खत्म क्यों होती है, इसके पीछे कुछ रोल जो है वो बीजापुर और गोलकुंडा का था और कुछ रोल जो है वो शाहजहां का था। दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। समझौता, संधि, ट्रीटी तब तक चलती है जब दोनों पक्षों के हित जो है पूरे हो रहे हैं, दोनों को स्वार्थ जो है वो पूरा हो रहा है। कूटनीति तभी तक काम करती है, डिप्लोमेसी जो है वो तभी तक काम करती है, उसके आगे काम नहीं करती है। ये जो समझौता हुआ था उसमें
बीजापुर को अहमदनगर का 1/3 हिस्सा दिया गया था, बीजापुर को अहमदनगर का 1/3 हिस्सा दिया गया, और गोलकुंडा को कहा गया कि भई आप साउथ इंडिया में जा सकते हो, आप दक्षिण भारत में जितने मर्जी अभियान करो, जितने मर्जी सैनिक अभियान आप दक्षिण भारत में करो, लेकिन उत्तर की तरफ मत आना, लेकिन नॉर्थ की तरफ मत आना। लेकिन 20 वर्ष ही ये समझौता रहता है, और उसके पीछे मेन रोल था कि मुगलों ने एक एक्सपीडिशन किया था सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का एक सैनिक अभियान किया, उसमें बहुत सारी धन राशि खर्च हुई, बहुत अमाउंट जो है वो लग गया मध्य एशिया जब ये गए हैं। तो उस धन राशि की पूर्ति करने के लिए कहीं से वो कवर हो सके, कहीं से वो पैसा वापस आ सके, तो वो चाहते थे कि ये जो 1/3 हिस्सा दिया है ना बीजापुर को, ये वापस मिल जाए, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल एरिया था जो 1/3 दिया, जहां से बहुत रेवेन्यू होता था, बहुत लगान आता था। अब बंजर भूमि तो नहीं ना देंगे बीजापुर को, उपजाऊ भूमि थी, लगान बहुत आ रहा था, तो वो चाहते थे इसे वापस मिल जाए, क्योंकि हमारा तो पैसा बहुत लग गया मध्य एशिया में, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि बीजापुर और गोलकुंडा में शाहजी भोंसले और गोलकुंडा में मीर जुमला, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, इनका प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा था, इनका प्रभाव बढ़ रहा है। अब हमें ये भी याद रखना है कि जो ये साउथ इंडिया में डेक्कन में गेम चल रही है, इसमें मराठास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मराठास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मराठों का औरंगजेब के साथ जो संघर्ष हुआ वो एक अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग लेक्चर बनाएंगे, उसमें समझेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि इस सारी गेम में, सभी जो खेल चल रहे हैं यहाँ पर, उसमें मराठों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और शाहजी भोंसले बीजापुर में और मीर जुमला जो है वो गोलकुंडा में अपना प्रभाव जो है वो बढ़ा रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शाहजी भोंसले बीजापुर, मीर जुमला गोलकुंडा में, ये याद रखना है आपको। तो ये दोनों जो है वो मुगलों के दुश्मन हैं, मुगलों की इनके साथ बनती नहीं है, इनका प्रभाव भी वो खत्म करना चाहता है, शाहजहां इनका प्रभाव भी खत्म करना चाहता है। इस वजह से भी ये संधि को तोड़ना पड़ा, और औरंगजेब जो है, जो शाहजहां के टाइम सूबेदार रहा वहां दक्कन का, वो एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाना चाहता था कि दक्कन के इन राज्यों के साथ कोई संधि ना की जाए और उन्हें पूरी तरह से असिमिलेट कर लिया जाए मुगल साम्राज्य में। और औरंगजेब ने 1687 और 1688 में बीजापुर और 1688 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये किसने किया? ये औरंगजेब ने किया, ये काम औरंगजेब करता है। अल्टीमेटली जो एक मंशा थी, जो इरादा था मुगलों का इन सबको अपने साम्राज्य में मिलाना, वो सफल होता है 1687 और 88 में। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि औरंगजेब के इस अग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ। मुगल साम्राज्य के डाउनफॉल में इस डेक्कन पॉलिसी ने, इस दक्कन नीति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और औरंगजेब का मराठों के साथ जो संघर्ष रहा, किस प्रकार से उसके रिलेशन रहे, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो विषय यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर्स सुनते रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू।